नमस्कार, द ग्रेट इंडियन टेस्ट .com में आपका स्वागत है। आज हम पीसी सरसों से फिश बनाएंगे। ये बंगालियों में बहुत ही प्रचलित भोजन है। बंगाली इसे सरसों बटा दिए माछ बोलते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है। तो आइए बनाते हैं पीसी सरसों से फिश करी। इसके लिए आधा किलो रोहू मछली, आप चाहे तो कोई दूसरी अपनी पसंद की मछली भी ले सकते हैं, एक चम्मच काला सरसों, एक चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार। पेस्ट बनाने के लिए एक चौथाई कप काला सरसों, आप चाहे तो पीली सरसों भी ले सकते हैं, आधा कप खसखस, दो टमाटर और 4 से 5 हरी मिर्च की आवश्यकता होगी। पहले हम सरसों का पेस्ट बनाएंगे। इसके लिए ग्राइंडर में सरसों, खसखस, हरी मिर्च डालकर पेस्ट करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर ग्राइंड करेंगे। जब भी आप पेस्ट बनाएं, सरसों से खसखस ज़्यादा रखें। अगर खसखस कम होगा तो पेस्ट में थोड़ा कड़वाहट रहेगी। इस तरह से हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और इसमें सरसों डालेंगे। जब सरसों चटकने लगे तब इसमें सरसों का पेस्ट डालेंगे। और इसे तेल में थोड़ा सा तलेंगे। अब इसमें हल्दी, नमक, बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे और तेज आंच में तलेंगे। अब जो जार में सरसों का पेस्ट किया था उस जार में थोड़ा सा पानी डालकर बचा हुआ सरसों को अच्छी तरह मिलाएंगे और उस पानी को कढ़ाई में डाल देंगे और इसे धीमी आंच में तल लेंगे। जब सरसों तल जाए तब इसमें तली हुई फिश डालेंगे। मैंने पहले से ही फिश को तल के रखी थी। तली हुई फिश की वीडियो नीचे दिए गए लिंक में देख सकते हैं। अब इन फिश को सरसों के पेस्ट में अच्छी तरह से लपेट लेंगे। और इसमें एक चौथाई कप पानी डालकर धीमी आंच में 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट बाद हमारी गर्मा गर्म सरसों के पेस्ट से बनी फिश करी तैयार है। आप चाहें तो परोसते समय कच्चा सरसों का तेल ऊपर से फैला दें। इसे आप गर्मा गर्म चावल के साथ परोस सकते हैं।
आप भी बनाइए, खाइए और बताइए अपना फीडबैक हमारा साइट या सोशल मीडिया पेजेस पर। धन्यवाद।